वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। मैं सोच रहा हूँ बड़े बाल रखूंगा, बताना कैसे लगेंगे बड़े बाल। ऐसे बीच की मांग मजाक कर रहा हूँ, बाकी कहो अगर अच्छा लगे तो यहाँ से कटवा देंगे पूरा, और वो बीच में से ऐसे लंबे लंबे बाल यहाँ से कटवा के बढ़िया दाढ़ी डू डिसाइड करवा के जरूर बताना कैसे लगेंगे, और कहोगे तो करवा लेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, अब वेल्पिंग बॉक्स में ना गर्मी ज्यादा लगने लगी बच्चों को, और इसीलिए सारे कैसे ऊपर आए हुए हैं। गर्मी इन द सेंस यहाँ पे जो दीवार है ना, यहाँ से हवा आर पार होती नहीं है, और इस वजह से इनको गर्मी लगती है। तो अब ये वाला केज सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो। ये अभी थोड़े से ये, क्योंकि भाई साफ वगैरह तो मैंने बिल्कुल भी नहीं करे हुए हैं, तो बट इनकी शक्ल देख सकते हो कितनी मस्त शक्ल आई है इनकी। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ 20 डेज के पपीज है, छोटे छोटे बच्चे हैं ये। वही ये देखो इसका स्टॉप, दोस्तों अब ये छोटे दोनों फुल शरारती हुए हैं, भौंकने लग गए, गुर गुर करने लग गए और फुल एक्टिव हुए हुए हैं। इसमें पापा ने इनको पहले ही छोड़ दिया है, तो ये केज बना लगा दिया, और ये अब इनको ना कौन चल अंदर, ये वाला जो है ना मिंडक, इसका नाम मैंने मिंडक रखा हुआ है। ये सबसे ज्यादा शरारती है, सबसे ज्यादा यार। हमारे इस हार में ना लाइट जा रही है, पता नहीं 2 दिनों क्या हो गया, और गर्मी सबसे ज्यादा है यार यहाँ पे, और फिर भी लाइट भेज रहे हैं। इनको नहीं पता क्या एसी वगैरह चलाना होता है यार। गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है और हेला को बाहर अपने बालकनी में बिठाते थे, और देख रहे हो कहाँ बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है। चल चल, इस बिल्ली का काम देख लो। हेलो गंदे बच्चे क्यों बढ़ते जा रही, बता दो। डोली नहीं अंकल, वो भाई घर हम तो भूले कि देखो दोस्तों आज ये फ्लावर्स कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, ये देखो। और ये बच्चों के लिए ऐसे चल पड़ा, और देखिए ये वाला पेड़ में भी ज्यादा अच्छे हो गया अब। सो दोस्तों फार्म पे जा रहा हूँ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, गर्मी का मौसम आ गया बहुत ज़्यादा, और आप एक काम करा करो, इतनी हीट है तो भाई ये जो अपने पंछी होते हैं ना, इनको हीट स्ट्रोक वगैरह हो जाती है, तो पानी वगैरह रख दिया करो इनके लिए, और छाया में अगर ये बैठते हैं ना तो बैठने दिया करो। वो ये बीट वगैरह अगर करते तो यार साफ़ हो जाएगी, बट उनकी जान से ऊपर तो नहीं है ना वो चीज़, तो ध्यान रखो इस चीज़ का। और एक मैम ने मेरे को बताया अभी, तो उन्होंने नोटिफिकेशन दी थी अंजलि मैम, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे अच्छी अच्छी सजेशन मुझे देते रहो। वैसे हम अपने बैकयार्ड में रखते ही हैं, और सारे लगभग हर घर में जो पेट लवर है, एनिमल लवर है, जो नेचर प्रेमी है, वो रखते हैं पॉट्स अपने बर्ड्स के लिए। बट यार एक बार फिर भी एक बार मैसेज देना ज़रूरी था, कई लोग ऐसे भी हैं जो उनको वो बैठते हैं छाया में तो उनको भगा देते हैं, तो भाई इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और अब अपने गैंग वाले सारे सब बंदे अपने अपने घरों में रखेंगे पॉट पानी वाले, जिसमें वो चिड़िया छोटी छोटी चिड़िया आके पानी पिएंगी, खेलेगी, नहाएगी, जो भी करे वो करने देना, और अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है। तो दोस्तों पहले मैंने आपको अभी क्लिप दिखाई थी जिसके अंदर बच्चे हमने पहले निकाले थे, और आज उस दिन से एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते बाद वापिस ऑपरेशन करने वाले हैं। सो आ गया भाई वो मोमेंट, देखो सारे बच्चे बाहर निकलना चाह रहे हैं, और ये आगे कितने सारे बच्चे ले रही है, सारे रुक ही रहे थे कि बस काटा को रचित भाई साहब आए। एक बार छोड़ दे। आजो निकल, अपना ही घर समझो। देख दे अंत बाहर नहीं आने लग रहे, चलो देखो कितने बच्चे हो गए, कितने सारे बच्चे हो गए, और अभी और भी हैं इसके अंदर। चल अब कर, तो ज्यादा नहीं लगे। हाँ ये कितना झुंड का झुंड है,
तो दोस्तों एक बार के लिए मैंने मदर को इसमें छोड़ा है और ये बच्चे कई सारे हैं, कितने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 के आसपास तो है, बाकी ऊपर नीचे और भी हो सकते हैं। 30 ये दो इसके अंदर पहले से है। ओ भाई पूरी कॉलोनी बना देगा हम मदर। हाँ भाई मोहित, बच्चे ही बच्चे, कैसा लग रहा तुझे देख के? हमने छोटे डॉग्स तो देखे होंगे ऐसे, मतलब कि ऐसे एक्टिंग करते हुए, आपने बड़े डॉग्स में देखे होंगे। ये सीढ़ियों पे कैसे बैठी है और ये पता क्यों बैठी है? कि मुझे ऊपर नहीं जाना, और फिर ऊपर नहीं जाना तो फ्रेश कैसे होके आएगी है? ये देखो ये जुगाड़ काम आएगा दोस्तों। चल गोलुआ चलो चलो आगे, इधर घूम ले कोनी, थोड़ी इधर भैया में मस्ती कर ले, अभी धूप भी नहीं आई है ठीक है। सो ये देखो दोस्तों हमारे शेर, हमारे चार शेर है ये आ रही है। ओए कोनी ये देख क्या कर दिया तूने, तू तो फिला दे इस सारे साइड में कोनू, अरे ना दूध तो पिला दे भाई, ये 21 डेज के हो गए अभी। हाँ हाँ इन्हें दूध तो पिला दे, मैं से प्यार कराने के चक्कर में तेरे बालक छोड़ा ही तो देख। आजा एक तो आ गया भाई साहब, आप लोग कहोगे ना कौन सा, ये वाला है नहीं, ये वाला है, ये मिंडक सा सबसे ज्यादा शैतान, सबसे ज्यादा शैतान है भाई ये। गेट में एंट्री होती किसी की, वो शुरू कर देते, ये इतना सा, ये इतनू, ये अभी 20-21 दिन के बच्चे है, अभी से शुरू हो गया वो करना। चलो दूध पी लो, देख वो कोनी बैठ गया, चलो चलो वो देख कहाँ चला गया तू, इधर आ, चलो 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 भाई। इसका देखो हेड फेस वगैरह देखो, शिकारी होगा इसका, देखना ये देखो भाई, एक सेकंड, हाँ अब देखो क्वालिटी है या नहीं है भाई साहब, अलग से दिखती है चीज, मौजूद दिखने कितना चौड़ा है। और अभी तो सिर्फ 20 दिन के बच्चे हैं, 20-21 दिन के बच्चे हैं ये, अभी तो इनकी ग्रोथ निकलेगी है ना कोनू। बैठी रह सेट, इनको दूध पिला दे। हाँ ओह दूध पीता पीता सो गया था ये, इसे देखो दूध पूछ ये देखो, इससे मिलवाता हूँ आपको, ये देखो है ना बच्चा टॉप का। कमेंट सेक्शन में बताना भाई, 2 पपीज अवेलेबल है अभी इनमें से बुकिंग के लिए, 2 बच्चे बुक हो चुके हैं, तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप बुक कर सकते हो पेट डोमेस्टिक के नंबर पे कॉल करके। और भाई इन बच्चों का फायदा ये आप लोगों को कि सब चीज आपको रियलिटी में, सब चीज एक एक इनकी मूवमेंट व्लॉग्स में सब दिख रहा है, तो भाई इससे अच्छी चीज और क्या मिलेगी बताओ। हेड देखो इसका भाई है ना, कोनू कोनी सो भाई एसी लेके जाना, आज तो मम्मी का सिर घूम गया है, मम्मी कह रही है कि लेके जाना ही जाना एसी, लंबा वाला तो फेंक दिया नीचे। हाँ एक पापा कह रहे व्हाइट कलर का भी था, ये रहे पापा व्हाइट कौन सा, नहीं वो तो इसके ऊपर लगवाने पड़ेगा, मिस्त्री ला देगा। सो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं पोल्यूशन कहाँ से आता है हमारे हिसार में, यहाँ से आता है भाई पोल्यूशन, एक तो इससे आता है जो मैं चला रहा हूँ मतलब मेरी नहीं सबकी, और एक यहाँ से आता है भाई, सबसे बड़ी फैक्ट्रीज है यहाँ पे, और इन्हीं वजह से हम दुनिया के मैप में नंबर 14 पे है पोल्यूशन के नाम पे भाई सार, भाई किसी चीज में किसी ढंग की चीज में भी आ सो किसी नंबर में, दुनिया में सबसे हॉटेस्ट प्लेस में, इंडिया में सबसे हॉटेस्ट प्लेस में हिसार है भाई, वाह। और भाई पोल्यूशन में भी दुनिया में 14th या 16th नंबर में हिसार है, मतलब कितना प्राउड फील हो रहा है भाई आदित्य तेरे को, सार्केस्टिक वे में है ये भाई, देख लो यार कोई तो स्टेप ले लो, हम कितना नेचर नेचर करते रहते हैं, थोड़ा बहुत प्लीज मदद करो यार,
वो कहते हैं ना जब छोटे होते हर बर्थडे पे प्लांट लगाओ, अब हर दिन लगा दो यार। लगाना पड़ेगा भाई, नहीं लगाओगे तो खत्म हो जाएगी जिंदगी। किसके लिए कमा रहे हैं इतना? और सांस तो सबने सेम ही लेनी है। जो अभी यहाँ पे ऑडी में गया होगा वो, और जो यहाँ पे अभी साइकिल चला रहे, दोनों सांस एक ही जगह ले रहे हैं भाई, एक ही जगह। और ये बात जब समझ आ जाएगी ना, चीजें बदल जाएगी। पर ये नहीं आ रही अभी, जब वस्त में से मरेंगे ना सारे तब आएगी समझ। चलो भाई चलो, तुम भी थोड़ा बहुत यार, दो बच्चे देखते हैं, बड़े देखते हैं, प्लीज थोड़ा बहुत ध्यान दो। जानवरों को पानी वगैरह दे दिया करो, इस टाइम गर्मी बहुत है, और पौधे लगा दिया करो भाई थोड़े बहुत, तभी तो मजा आता है। अब देखो पार्क में रात को हम जैसे फार्म हाउस में बैठते हैं तो आता ना मजे, तो वो इसी वजह से आते हैं। मतलब जहाँ प्लांट्स लगाते हैं वहाँ एक अलग ही फील आती है भाई, तो प्लीज ध्यान दो। और हम भी फार्म पे पहुंच गए, और एसी चलाओ 24 पे ताकि पोल्यूशन कम हो, क्योंकि भाई इतनी गर्मी हो रही है तो यार देखो यू है, एसी वगैरह भी चलाना पड़ता है, बट लिमिट में चीजें जो इको फ्रेंडली हो उस पे रखो। 24 से ऊपर ना जाने दो, मैं तो 27 पे चलाता हूँ भाई। हाँ सच में ज्यादा गर्मी हो जाए तो 24 पे ले आता हूँ। सो देखो दोस्तों, इना मीना को बाहर निकाल दिया, पानी लगाया हुआ है, और ये फूल आज खेल रहे हैं, आज इनको नहलाऊं भी मैं। और यहाँ इसे रखा हुआ है, वहाँ पे अंदर रख दिया थोड़ी चीज़ें, ये भी उठा के अंदर रख देंगे ताकि कल लग जाए ये। भाई भाई देखो इन्होंने कपड़े ख़राब कर दिए। और चलो मेरा अंदर जूस रखा हुआ है, मैं जूस पी लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, शुगर केन जूस पियेंगे हम। नहीं तुम्हें अंदर नहीं आना, चलो तुम खेल लो अंदर, हमें ये टैक्स वगैरह आजाद इतना तू तो पी ले गन्ने का जूस भाई, तो गन्ने का जूस एंजॉय करते हुए। ओ भाई उस भाई ने सही बात पुका दी, मैंने कहा था नींबू और पुदीना इतना डाल दियो कि एक गन्ना कम डाल दियो जाए। हाँ, उसने सही सही मैंने भी तो पिया नहीं, फिर भी अच्छा बता सही है, मस्त है। बाकी अभी गर्मी हो रही है तो वैसे ही अच्छा लग रहा है, बट मस्त है। पर पुदीने का फ्लेवर आ रहा है भाई, मेन बात ये थी पुदीना होना चाहिए। नींबू का भी मस्त आ रहा है, मेरा फेवरेट है नींबू। और आप लोगों का भी होगा, बाकी महंगा बहुत हुआ हुआ है। पता सुना है मैंने, पता नहीं लाता तो मैं नहीं सकता। हाँ तो सुना ही मैंने हुआ है, 300 रुपए किलो बता रहे हैं। 300 रुपए किलो, फिर तो अपने वाला पेड़ को बचा लो और उसकी पूजा करो। हमारे घर के पीछे एक पेड़ है जिसको नहीं पता, वैसे ब्लॉग्स में बहुत बताया होगा, उसमें इतने नींबू लगते हैं गर्मियों में, कन्नू भी मतलब हम सब खा लेते हैं तो भी बच जाते हैं। तो उस पेड़ की पूजा करनी शुरू करनी पड़ेगी अब। क्या कहते हो आप लोग बताओ। ये देखो इसको बिठा के क्लास दे रहा है ये, कि खुशी की संगति भी नहीं रहना। वो तो मैंने पहले रिकॉर्ड नहीं किया, खुशी की संगति भी नहीं रहना तो तुम्हें सिर्फ बिगाड़ेगी। जैसे तुम्हें कहता है ना स्कूल में जाना है, तुम्हें शो में जाना है, डॉग शो में तुम्हें नाम कमाना है, ठीक है, इसने कहीं नहीं जाना। ये नली है, तुम्हें आके ना प्राइज जीतने हैं, तुम दोनों से बड़ी उम्मीद है मुझे। हेलो गाइस, अंदर बात की जहाँ नहीं जा रहा होता वही जाएगी। अंदर मुंह लगाए सर आगे, ये देखो कितने क्यूट है दोनों। खुशी हर चीज का इंस्पेक्शन, खुशी डोबरमैन। कौन सी ब्रीड बन गई रे तू? स्विमिंग पूल देखो इसका, खुशी स्विमिंग पूल में। इसके लिए वो है अपने सर के पास, क्या है वो स्प्लैश ब्रश की नहीं करती तू, वाइट तो है पूरे दांत, तो पूरे वाइट नहीं दांत तो पूरे वाइट है, ब्रश करती है रोज करती है, ब्रश करा अगर स्मेल आ रही है तेरे में से सुबह के चिकन की। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं करा तूने? इना मीना को भी बिगाड़ दिया, और तूने सिखाना तो उन्हें ये चाहिए कि नहीं अच्छे से रहो, और तूने और बिगाड़ दिया। अब तो जैसे मेरे को कुछ पता ही नहीं है, साइड में देख मेरे से बात कर, बात कर, जब शरारत करती है तब सोच के करती होगी तुझे। चल निकल टपकती हुई। दोस्तों इनको प्रॉपर शैम्पू से नहलाया जा रहा है, पहले तो पानी ऐसे ही डाला था कि इनको मजा आ जाए, और अब इनको शैम्पू से नहलाया है। अब खुशी की भी बारी है, इना को नहला दिया, इना की बारी है। ये रहा शैम्पू गाइस, कहीं कहीं शैम्पू नहीं है, ये तो दिख ही रहा है थोड़ी। तो गाइस पानी चेंज हो रहा है, एक राक्षस को निकालने का, तो राक्षस का है
दिखेगा ही नहीं, लास्ट तो दिखाई नहीं, अंधेरा टाइम पे। इसमें है वो हमारा अधीरा, जिसने KGF 2 देखी है समझ सकता है। ऊपर आइए थोड़ा यार, ये देखो ये दिख गया, जिसने ऑस्कर का भी बट्ठा बिठा दिया। हाँ बताइए क्या कर रही थी ये इसके अंदर भाई, ऑस्कर के मारे थी बड़ी बात है। ये बेचारी सबसे प्यारी इसके मारे इसने, हाँ सबसे न्यारी, और इसके भी थोड़े बहुत मारे हैं ना। अरे सभी को डैमेज कर रखते हैं इसने। हाँ तो सबको थोड़ा थोड़ा डैमेज कर दिया, अब हम इसको डैमेज कर रहे हैं। थोड़ी देर टॉर्चर होगी इधर बैठ के, नहीं टॉर्चर नहीं हो रही है, सिर्फ चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है। अब किसी टैंक में डालेंगे इसको, ऐसे मत मतलब टॉर्चर कर। इसको जहाँ से लेके आए थे ना वहीं छोड़ के आ रहे हैं। हाँ अब हम इसको छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास सामान ले रही है। ये मत कहना कि इसको रात भर इसमें डाल दिया या ऐसा कुछ। एयर पंप लगेगा। हाँ एयर पंप लगेगा ना, और इसको खाना भी खिला दिया। खाना तो और फिर डर ही, हाँ सबका छीन छीन के खा जाती है। अभी आधा पानी इसका पहले ही निकाल दिया, और ये ठंडा ठंडा पानी डाल रहे हैं इसमें, ज़्यादा ठंडा नहीं, नॉर्मल सा होता। और रचित पनीर बना रहा है उधर, रचित को भी दिखा के आते हैं। चलो अंडे गर्मी में पड़े पड़े ऐसे बोल दो भाई, जरूरत नहीं पड़ी। ये गेट को नहीं खुल रहा रचित, करनो गेट खोल जाओ। यही है वो शख्स जो हमें अंदर बंद कर गया था। हाँ क्या कर रहा है तू भाई? पनीर बना रहा इनका और अंडे बॉईल कर रहा है। हाँ ये तो गर्मी में वैसे ही बॉईल होगे। गुड्डू खाता है अंडे, गुड्डू स्पेशली खाता है। देखो उस भैया के लिए अंडे बॉईल हो रहे हैं स्पेशली, और औरों के लिए पनीर बन रहा है। तो दोस्तों व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एकदम से डाटा फुल हो गया था, स्टोरेज फुल हो गई थी, इस वजह से वो व्लॉग वहां कट गया। बाकी आप लोग बताओ मुझे व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, बताओ कौन सी मूवमेंट अच्छी लगी है। और भाई पेंटोस्टी वाले चैनल पे वीडियोस आ रही है अब, तो उधर भी सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय बाय।